बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रुकिया सस्ता जी, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी, क्या क्या वह क्या बना आपके साथ है? रस्सी उड़ गई, मैं ना सर टाली के ऊपर चढ़ी हूँ, हाँ नीचे गिरी है, सारे कपड़े नीचे गिर गए। शौकत भाई ने फिर बांध के दिया है। रुकिया सिस्टर फिर शौकत भाई आवाज लगा रही है, आ जाओ जी मेरी रस्सी बांध दो जी, नीचे गिर गई थे बहुत ज्यादा। मैंने कहा चलो एक तार इधर बांध लेती हूँ और बाकी जिन कुछ कपड़े उधर फैला दिए। मशीन ले ली थी क्योंकि मशीन तो हुई है। चलो कोई बात, बड़ी मशीन है ना, जल्दी सारे कपड़े धुल गए, टेंशन खत्म हो गई है क्योंकि कल फिर ईद का दिन है माशाल्लाह, फिर सब आएंगे जाएंगे माशाल्लाह, फिर कल को कुर्बानी होगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अल्लाह की रहमत होगी। हाँ जी क्यों नहीं होगी, सारे मेहमान आएंगे माशाल्लाह। सही है, चलो फिर ठीक है, आप कपड़े वगैरह ये डाल लो, ख्याल करना दोबारा फिर ना टूट जाए। नहीं नहीं यार, अच्छा आप ज्यादा खुले खुले करके डाल रही हो कपड़े? खुले खुले डाल देती हूं। सही है। तो भाई गए थे सुबह सुबह मंडी, मुनीत के पापा और भाई दोनों गए थे, रल मिल के मंडी गए हैं और टमाटर वगैरह लेके आए हैं। सामान ये तो यानी कि टोकरी वगैरह में रख देंगे, ये दिखाओ मैं फ्रिज में रखते हैं। माशाल्लाह हम भाभी जान के पास पहुंच गए हैं क्योंकि काफी दिन हो गया था मैं नहीं आई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है तुम्हारा सिस्टर? ठीक ठाक, आप सुनाओ ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी तबीयत ठीक है, तो जब भी देखे अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे। और ये क्या अंडे? अल्लाह का शुक्र मेरे भी ठीक है। ये क्या अंडे प्याज बना रहे हो? हाँ जी अंडे प्याज। अच्छा भाभी जान आप क्या कह रहे थे?
मैंने कहा रात हमने बनाए थे चावल, वो मैंने आलू चिकन बनाया था ना, तो आलू चिकन का ना सालन काफी सारा रखा हुआ था, तो फिर मैंने ना उसमें चावल डाल लिए थे, साथ दही वाला रायता बना लिया था। सही। तो आप फिर आपको पता बच्चों ने तो चाय पराठे का नाश्ता कर लिया और जो पिज्जा बेटे हो रहे हैं इन्होंने चावल का ही नाश्ता किया है। अच्छा। तो मैं ये ना फिर अंडे प्याज इसलिए बना रही हूँ, बच्चे है ना छोटे छोटे, दोपहर को फिर ये रोटी वगैरह मांगेंगे तो फिर गर्मी ज्यादा आ जाएगी, इसलिए मैंने ना अंडे प्याज ये बना दिए। गर्मी का सुनाओ, गर्मी कैसी हो रही है? गर्मी तो बहुत है, बहुत ज्यादा गर्मी। आपके तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दरख्त वगैरह हैंगे, यानी कि छप्पर वगैरह डला हुआ है, तो माशाल्लाह यानी कि छांव वगैरह रहती है जी। हमारे तो यानी कि सुबह सूरज निकलते के साथ ही चूल्हे पे जाके लगेगा, और हाँ जी ऐसे ही है। कल को पता नहीं फिर क्या हाल होएगा हमारा, फिर नहीं कल फिर वो गोश्त वगैरह हाँ जी हाँ जी फिर तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा अगर गर्मी रही तो। गर्मी रही फिर अरे बात तो सालन वगैरह बनाना है तो यानी कि टाइम तो फिर लगेगा। तो मैं भाई से देखो ये कह रही, मैंने कहा मेरे सहन में भी डंट लग जाएगा और बड़ी फातिमा के भी सहन में डंट लगा लेंगे, ताकि दोनों सहनों में ना छांव रहे आराम से। आपको पता है ना फिर आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, आमना सिस्टर के बच्चे हैं, माशाल्लाह मुझे लग रहा बच्चे ज्यादा आएंगे और जिनकी बड़ी जो फैमिली होगी वो कम होगी। सही है, अल्लाह में सलामत रखे। बस वो कहते हैं ना घर में बच्चे नहीं नहीं नाश्ता नाश्ता बस मैं घर के आई करके आई नाश्ता, तो अभी तो बिल्कुल भी तलब नहीं है। आप लेकिन चावल तो खाने पड़ेंगे ना। चलो ठीक है जी, आपका ऑर्डर चावल खा लूंगी। ठीक है हाँ जी, क्योंकि चावल आपको पता कोई भी नहीं हमारे में से छोटा। हाँ जी हाँ जी, बहुत पसंद की है ये। सही है, बाकी में चावल तो वैसे है ही हमारे ना शुरू दिन से फेवरेट डिश है, तो कोई चीज छोड़ती नहीं, चावल छूटते नहीं है, छूटते नहीं है। और खासतौर पर आपके हाथ के चावल बने हुए ना अच्छे बने होते हैं। चलो फिर ठीक है, आप चावल गरम है, आप चावल वगैरह खाएं और मैं ये सालन काट के रखती हूँ। ठीक है, तो भाभी जान की तरफ से आ चुके हैं, क्योंकि मैं भी चिवाड़ा पे गई थी और प्रिया सिस्टर भी, और मैं तो साल से पहले चली गई थी अली हसन के साथ। तो यहाँ पे जी अली हसन कल की तैयारी करने लगा रहा अपने, यानी कि भाई जो कसाई होते हैं ना उन्हें पता होता है हमने कैसे तैयारी करनी होती है। अब जिस तरह एक दर्जन होती है उसे पता है हमने कपड़े कैसे सीने होते हैं, तो चूड़ियाँ वगैरह भी यानी कि तेज वगैरह कर ली है। इनाम ठीक नहीं लग रहा ना अपने मामू से, ताकि कल को ये बड़ा होएगा ये भी यही काम करेगा। हाँ जी, यहाँ पे बड़ी अच्छी तरह सफाई वगैरह करी जा रही है, अच्छी तरह धो रहे हैं, कल को दोबारा फिर अच्छी तरह दोबारा फिर धो लेंगे। तो भाई भी साथ लगे हुए हैं माशाल्लाह जी, तो सब यानी के लगेंगे कल, सारे यानी के सब काम में लगेंगे सारे। और अभी सिस्टर भी आने लग रही है। अच्छा, आप लोग शादी को तो काट लेना। अच्छा चलो फिर मैं अली हसन से पूछती हूँ, अगर आपने भाई अली हसन जाते तो फिर से भेज देती हूँ। और आमना अच्छा यानी कि अभी घंटा डेढ़ घंटा है ना, इतना जरा यानी कि अभी ना ठंडा मौसम भी हो जाएगा। मुझे वगैरह अच्छी तरह धो ली हैं और सहन में भी अच्छी तरह मैं भी बटन ने पानी मार दिया और डोगियों के बने पानी डाल दिया, उसने पी लिया। अब ठंडी ठंडी जगह बैठा है, सुकून से बैठा है। यहाँ पे भी मैं भी बैठा है, कूलर में पानी डालने लग रही है और अपने सहन में पानी छिड़कने लग रही है। कूलर भर गया है ना। अच्छा अच्छा, सही है। यहाँ से डाल दो, ऐसे से ऐसे डाल दो। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं धूल होती है ना, ये बर्फ जमी है ना, वैसे आज तो आपने रुकी आमना सिस्टर वाली रीस करी है। हाँ, आमना सिस्टर भी ऐसे करते हैं ना, जब हम आपका पता है गर्मी सही है, बस ज्यादा चिकन ना करो, फिर हाथ भी है ना वो स्लिप हो जाएगा। सही है, भर गया कूलर वगैरह हमने भर लिया है। तो यहाँ पे जी रुकी है सिस्टर जी, छोटी टिंडियाँ काटने लग रही है, जो कुछ पक्की है कुछ कच्ची होंगी, ऐसे अक्सर होती हैं, कुछ पक्की होती हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा पक्की हैं लग रहा। पक्की हैं, बस मौसम के हिसाब से होती है ना, इनका मौसम जाने लग रहा है इस वजह से ये पक गई हैं। हल्के देख लो बिल्कुल छोटी छोटी हैंगी, छोटी 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 पक गई हैं, ऐसा लगे भाई बहुत बड़ी हो गई है, पक गई हैं। और इनाम क्या कर रहा है, इनाम ने भी क्लास में टिंडिया करने के लिए आ गया। इनाम बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, सीधे आते कोलो। इनाम इनाम की खाला ने इनाम की होटो पे छुड़की लगाई है और मजे से खुश हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। सही है, और राबे सिस्टर भी पहुंचने वाली हैं, तो अल्लाह खैर कर रहे, अल्लाह में खैर खैर से लेके आए। हाँ जी बस आने वाले ही, मुझे अड्डे पे पहुंच गई होंगी। सही है, चलो फिर ठीक है रुकिया सिस्टर, आप ये काट लो टिंडिया वगैरह, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, क्या हाल होएगा हमारा। अल्लाह ही बेहतर करेगा जो भी होएगा। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ठंडा ही मौसम कर दे, कल आज बारिश आ रही है, कल को ठंडा मौसम आ रहा है। सही बात है, सही है।
यहाँ पर जी खाला ने जो है आटा गूंद लिया है। आज मैंने बनाए अंडे प्याज, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता मैं क्या बनाऊँ, बस यही पर मेरे दिमाग में आया मैंने अंडे प्याज बना लिए। तो अम्मी जी भी आ गई, आमने सिस्टर भी आ गई हैं, और राबे सिस्टर अभी पहुंची नहीं है, वो भी रास्ते में है। इनके कौन लेने गया है खालू? शौकत गया है। शौकत भाई गया? हाँ जी। चलो अल्लाह करके रखने आई जाएगी, क्योंकि कॉल करी थी कि मैं अड्डे पे आ गई हूँ, मुझे आके ले जाओ। तो घर में यानी कि कोई मौजूद नहीं था, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो यानी कि शौकत भाई को फिर हमने कहा भाई आप प्लीज जाके ले आओ, बेचारी अकेली आई है ना। हाँ जी। तो भाई नहीं आ सका, तो वो कहते हैं मेरा अभी जरा काम आएगा, तो काम पर निपटा के कल को इंशाल्लाह फिर वो ईद वाले दिन आ जाएगा। हाँ जी। तो अभी हमने सिस्टर अम्मी जी आप सुना ठीक हो? तभी ठीक है जी। अम्मी को, अम्मी के पास गई थी ना मैं, अम्मी जान को लेकर आई हूँ। मैं कहा चलो अम्मी के साथ ईद गुजारेंगे हम यहाँ पर। तो पांचों बहनें कब कब इकट्ठी होती हैं, कभी कभी इकट्ठी होती हैं। मैं कहा चलो अम्मी जान को भी साथ लेकर आ जाते हैं। गई हुई थी अम्मी के पास, तो मैं अम्मी जान को लेकर आ गई हूँ। तो माशाल्लाह से शाम का भी टाइम हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ। मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।